नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। आप दोस्तों, हम करने वाले हैं पार्ट 3 यूपी स्पेशल जीके का। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, पहले और दूसरा, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम पार्ट 3। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एजुकेशनल वीडियो बनाने में थोड़ा सा एफर्ट्स हमें ज़्यादा लगते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है चित्रकला में कि मुगल शैली का आरंभ किसने किया था। तो दोस्तों, ये जो आरंभ किया ये जहांगीर ने किया और जिसका बचपन का नाम सलीम भी था। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दोस्तों, अगला है उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है। 69% लोगों ने कहा कजरी। बिल्कुल सही है दोस्तों ये आंसर। और जिन लोगों के भी आंसर गलत होते हैं दोस्तों, वो कृपया करके आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें और नोट कर लिया करें, जिनका रिविज़न हो जाए अगर ये पेपर में आएंगे, क्योंकि ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर हैं, तो आने वाले समय में आपको ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर 61% लोगों ने कहा सितारा देवी, मगर यहाँ पर यह आंसर गलत है। इसका सही आंसर है किशन महाराज। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें ठीक होते हैं, तो मैं भी जो है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो 15 क्वेश्चन है इसमें से बताना कि आपके कितने ठीक थे, 10, 12, 15 जितने भी हो ईमानदारी से, ठीक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। ये तीनों के तीनों दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, धोबिया हो गया, राई है, सायरा है, ठीक है। दोस्तों, अगला है मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर दोस्तों प्रसिद्ध है कजरी के लिए। दोस्तों, ये जो क्विज़ है ये टेलीग्राम पर होता है, तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है आप इसे लाइव अटेंड कर सकते हैं। फिर है दोस्तों, अगला है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। दोस्तों, ये जो होता है ये सहारनपुर, यानी कि 53% लोगों ने कहा है बिल्कुल सही है, मगर बाकी लोग जिन्होंने ये गलत किया है वो अपने इस आंसर को सुधार लें। अगला है दोस्तों बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, इस इलाके में कौन सी बोली का क्षेत्र है। दोस्तों, ये है अवधी बोली का, ठीक है। दोस्तों, कभी कभी हिंदी बोलने में जो है यहाँ पर आप देखेंगे टाइपिंग में कभी कभी एरर हो जाती है मात्रा की, तो वो गूगल ट्रांसलेट जब हम करते हैं दोस्तों तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों को इग्नोर किया करिए। अगला है दोस्तों लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। दोस्तों, लठमार होली मनाई जाती है बरसाने में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अयोध्या के किस संगीत कलाकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। दोस्तों, यहाँ पर 33% लोगों ने कहा खुशी महाराज, 33% सही है, मगर दोस्तों ये आंकड़ा बहुत ही मतलब कम है। 50% जो सही जो आंसर होनी चाहिए वो कम से कम 50% से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि अभी लोग कंफ्यूज हैं, 31%, 28, तो इसलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर याद कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला, यह है दोस्तों नौचंदी मेला। आपको पता होगा एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है नौचंदी एक्सप्रेस। दोस्तों, हमने एक सुविधा स्टार्ट की है, अगर आप लोग मुझसे मतलब डायरेक्ट चैट सपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं, चैट सपोर्ट का मतलब ये है कि जिस तरीके से व्हाट्सअप में चैट होती है उसी तरीके से आप मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं परीक्षा से संबंधित, तो आप जो है मुझे मेल कीजिए studywithhappiness@gmail.com पर। वहाँ पर मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊँगा, उसके बाद आप जो है मुझसे डायरेक्ट चैट के माध्यम से जुड़ जाएंगे। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो कृपया करके मुझे मेल कर दें studywithhappiness@gmail.com पर। हमारे चैनल का नाम ही है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बस सब्जेक्ट में लिख देना है चैट सपोर्ट, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, मैं आपको एक ईमेल करूंगा और आपको पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तबला वादक का जन्म बनारस की कबीर चोरा में हुआ था। ये है दोस्तों 66% लोगों ने कहा है पंडित किशन महाराज, बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला है हमारा कौन सा गीत बरसात के महीनों में गाया जाता है। ये है कजरी, कजरी पे काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। आगरा की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने की। अगर आप मुझे बताएंगे कि लोदी वंश की स्थापना किसने की तो बड़ी मेहरबानी होगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। अगला है कि हर्षवर्धन के दो महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ हुए। ये जो दोस्तों हुए हैं ये है कन्नौज और प्रयाग, 54% लोगों ने कहा बिल्कुल सही कहा। चोरा चोरी किस जिले में स्थित है। दोस्तों, ये है गोरखपुर में, आपने पता होगा चोरा चोरी कांड हुआ। अब मुझे ये बताइएगा दोस्तों कि चोरा चोरी जो कांड हुआ उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अगर कुछ भी बताएंगे तो कम से कम मुझे आइडेंटिफाई होगा कि कितने लोग एक्टिव रहते हैं क्विज़ के दौरान, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन थे दोस्तों, हो गए हैं।
कंप्लीट हो गए। जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए हमारा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही होते हैं जो हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।